छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। दो चरणों में मतदान हुए, 7 नवंबर और 17 नवंबर। 7 को 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी, 17 को 70 सीटों पर। अब दो चरणों के मतदान के बाद छत्तीसगढ़ में सभी को इंतजार है 3 दिसंबर का। 3 दिसंबर वो तारीख जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग होगी वोटों की, यानी मतगणना, और उस दिन पता चलेगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। आज के इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो 3 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है, तस्वीरें साफ होगी 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि एक तरफ जहां पर छत्तीसगढ़ में मौजूदा कांग्रेस की सरकार के लगातार दावे यही रहे कि कांग्रेस ही रिपीट करेगी सरकार को, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम कमबैक करेंगे। ये जो टक्कर थी, जबरदस्त टक्कर देखने को मिली छत्तीसगढ़ में। वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग होनी है, लेकिन इस बीच आज के रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे 10 ऐसी विधानसभा की सीटें जहां पर सबसे पहले वोटों की गिनती होगी, यानी मतगणना। आखिर कौन सी है वो 10 विधानसभा की सीटें छत्तीसगढ़ की, जहां पर उन हॉट सीटों पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के कई सीनियर लीडर के दांव लगे हैं, इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान हुए। पहले फेज के लिए 20 सीटों पर 7 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान हुए। विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में कुल 24,137 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। वही वोटों की काउंटिंग कुल 1,724 राउंड में होगी। वोटिंग के बाद ईवीएम को कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। कई विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ईवीएम की पहरेदारी के लिए शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ की मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट का रिजल्ट सबसे पहले आएगा। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट में वोटों की गिनती सबसे पहले होगी, क्योंकि यहां गिनती 11 राउंड में होगी। उसके बाद भिलाई नगर विधानसभा सीट में 12 राउंड में गिनती होगी। मनेन्द्रगढ़ और भिलाई नगर के अलावा रायपुर उत्तर, बस्तर, दुर्गशहर, पामगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग ग्रामीण, बिलासपुर और राजनांदगांव विधानसभा सीट के रिजल्ट सबसे पहले आएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के जिन सीटों का रिजल्ट सबसे पहले आएगा, उनमें से कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से ताम्रध्वज साहू, जांजगीर चांपा विधानसभा सीट से बीजेपी के नेता नारायण चंदेल चुनावी मैदान में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।